क्लास टुडे वी डिस्कस अबाउट सम हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट, तो हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है? जिस साल्ट के साथ क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होते हैं, दैट वी नो एज हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे आपका है CuSO4 × 5H2O, ये आपका हाइड्रेटेड साल्ट है बिकॉज दिस कंटेन 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपके पास है FeSO4 × 7H2O, इसके पास है 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपके पास ZnSO4 × 7H2O, इसके पास भी क्या है, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो है, जैसे हमारे पास ये क्या होता है, ये ब्लू फॉर्म में होता है, ये ग्रीन फॉर्म में होता है, ये व्हाइट फॉर्म में होता है। अगर हम मान लेते हैं कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये ब्लू होता है। जब आप हीट करते हैं कॉपर सल्फेट को 5H2O, तो ये ब्लू होता है और फिर ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाइट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, इसका वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, ये व्हाइट हो गया। सेकेंड चीज, अगर इसी व्हाइट क्रिस्टल में, ये व्हाइट CuSO4 में अगर कुछ आप वाटर ड्रॉपलेट क्या करेंगे, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अगर आप मिलाएंगे, तो फिर ये वापस ब्लू हो जाएगा, ये वापस ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर वाटर नहीं है तो व्हाइट, वाटर है तो ब्लू। इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो साल्ट है, वो साल्ट क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए ये वास्तव में क्या ड्राई होता है, तो आपका आंसर नहीं होगा। ये क्या होता है, इट इज सीम टू बी ड्राई बट एक्चुअली इट इज नॉट ड्राई। इसमें आप एक नोट्स लिख लेंगे, नोट हाइड्रेटेड साल्ट, साल्ट सीम टू बी ड्राई बट Actually, it is not dry. Hydrated salt जो होते हैं वो dry दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसके example में आप देख सकते हैं CuSO4 × 5H2O, FeSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O। तो ये hydrated salt के बारे में है। तो hydrated salt क्या होगा? The salt which contain वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द साल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द साल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The salt which contain water molecule of crystallization, that we know as hydrated salt. तो ये था आपका hydrated salt. Hydrated salt में एक और है आपका, आपके सिलेबस में है CuSO4 × 1/2H2O. आप H2O, ये plaster of Paris है, और एक आपका जिप्सम भी है CuSO4 × 2H2O, ये भी हाइड्रेटेड साल्ट है, ये भी हाइड्रेटेड साल्ट है। तो हाइड्रेटेड साल्ट याद रखिएगा, इट इज सीम टू बी ड्राई बट एक्चुअली इट इज नॉट ड्राई, याद रखिएगा।